किया के तरफ से एक प्रीमियम लेवल की एसयूवी या क्रॉसओवर बोल सकते हैं लॉन्च होने वाला है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखने वाला है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स भी यहां पे मिलने वाला है। ये एक इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी जिसका नाम है किया EV6। लेकिन काफ़ी बेहतरीन होने के बावजूद ये एसयूवी की सेल्स इंडिया के मार्केट में उतना अच्छा नहीं होते हुए अभी से दिख रहा है। क्यों ऐसा है इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, गाड़ी की प्राइस क्या होने वाला है और गाड़ी में कितना रेंज मिलने वाला है एक फुल चार्ज में, पूरा डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। किया की EV6 ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है किया की तरफ से। गाड़ी काफ़ी प्रीमियम है, आप इसको क्रॉसओवर एसयूवी बोल सकते हैं। ये सीधे सीधे प्लेटफॉर्म शेयर करती है किया की सिस्टर कंपनी ह्यूंडई के साथ। ह्यूंडई की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है आयोनिक, उसका प्लेटफॉर्म ये शेयर करती है। बात करें इस गाड़ी के डिज़ाइन लैंग्वेज की, इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। गाड़ी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक आप इसको बोल सकते हैं। गाड़ी की जो फ्रंट लुक है जिसमें LED लैंप्स दिए गए हैं LED डायल्स के साथ, काफ़ी स्लीक है, काफ़ी बेहतरीन दिखता है। साइड प्रोफाइल में आपको 19 इंच का अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है इसकी बैक प्रोफाइल, इसमें आपको LED लॉन्ग टेल लैम्प मिलता है जो कि दोनों एड्स को जोड़ता है। ये काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी बेहतरीन दिखता है। साइड प्रोफाइल में गाड़ी काफ़ी स्लीक लगता है। एक क्रॉसओवर जो लुक दिया गया है ये किसी भी गाड़ी में शायद अवेलेबल नहीं है। इस गाड़ी को काफी बेहतरीन बना दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर भी इसकी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बेहतरीन दिखता है। इंटीरियर पे आप घुसते ही आपको मिल जाएगा 12.3 इंच की स्क्रीन्स, जिसके साथ ये गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में आपको बैठकर एक फुल्ली डिजिटल कॉकपिट का एहसास होने वाला है। फीचर्स की बात करें, हेड्स ऑन डिस्प्ले आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स गाड़ी में मिल जाता है, एम्बिएंट लाइटिंग गाड़ी की इंटीरियर को काफ़ी खूबसूरत बना देती है, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स आपको मिल जाते हैं, ड्राइविंग मोड्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं उस स्लाइडर के साथ, काफ़ी बेहतरीन दिखने में है ये, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाते हैं। इस तरह कई सारे प्रीमियम फीचर्स गाड़ी में अवेलेबल है। गाड़ी की सेफ्टी की बात करें, ग्लोबल एनकैप से ये गाड़ी को 5-स्टार रेटिंग मिल चुका है, यानी कि गाड़ी काफ़ी बेहतरीन दिखने के साथ साथ काफ़ी सेफेस्ट, काफ़ी तगड़ी गाड़ी है। टॉप एंड वेरिएंट में गाड़ी में आपको 7 एयरबैग्स तक मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हील स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा जैसे कई सारे फीचर्स तो मिल जाते हैं, उसके साथ साथ कई सारे प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है। फॉरवर्ड कॉलिजन एविडेंस, ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, रेयर क्रॉस ट्रैफिक असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, स्मार्ट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे कई सारे प्रीमियम फीचर्स गाड़ी में अवेलेबल है। उसके साथ साथ अगर बात करें गाड़ी के बैटरी पैक की और रेंज की, ये गाड़ी ग्लोबल मार्केट में दो तरह की बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है। एक है 15 किलोवाट आवर, दूसरी है 77.4 किलोवाट आवर। 15 किलोवाट आवर में आपको 380 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है एक फुल चार्ज में, और 77.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको 500 किलोमीटर का रेंज क्लेम किया जाता है। बात करें इसकी पावर की, 58 किलोवाट आवर में आपको 167 ब्रेक हॉर्स पावर आपको मिल जाता है 350 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। 77 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको 225 bhp का पावर, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। गाड़ी की बैटरी पैक काफ़ी बेहतरीन है, टॉर्क पावर ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी इतने बेहतरीन होने के बावजूद इंडिया के मार्केट में दिख रहा है अभी से ये गाड़ी उतना अच्छा खासा सेल्स नहीं लेने वाले, क्योंकि ये गाड़ी अवेलेबल नहीं है आम आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी पूरा इंपोर्टेड गाड़ी होने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा यूनिट इसको बाहर के मार्केट से इंडिया के मार्केट में इम्पोर्ट किया जाएगा और इंडिया में सेल किया जाएगा। ये जो हो रहा है ये गाड़ी के प्राइस रेंज को काफ़ी हाई बना लेगा। गाड़ी की प्राइस रेंज अगर बात करें बाहर मार्केट में, यानी कि ग्लोबल मार्केट में, इसकी प्राइस रेंज लगभग
35 लाख रुपए से शुरू होता है। अगर ये गाड़ी इंडिया में इंपोर्ट किया जाए तो इसकी प्राइस रेंज 50 लाख से ऊपर तक आ सकता है। तो इस प्राइस रेंज में एक आम आदमी तो ये प्रीमियम लेवल की गाड़ी नहीं लेगा। अगर कोई ये गाड़ी को ले रहा है तो किया की गाड़ी को क्यों लेगा 50 लाख रुपए में, और कई सारे प्रीमियम गाड़ियां अवेलेबल है मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता है अगर कोई एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहे तो किया की ये गाड़ी को प्रेफर करेगा, किया ब्रांड से इस गाड़ी को प्रेफर करेगा। फिर भी कई सारे लोग इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जो कि इस गाड़ी को देखने के बाद लगता है ये गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सेल्स होना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन टफ गाड़ी है, लेकिन फिर भी ये गाड़ी को दिख रहा है उतना ज़्यादा सेल्स नहीं ले पाएगा। आपका क्या राय है इस गाड़ी के ऊपर? ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में जून 2022 यानी कि इसी साल फेस्टिव सीजन तक इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो सकता है। गाड़ी के प्राइस रेंज 50 लाख से ऊपर तो होगा ही होगा। तो आपका ओपिनियन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर तो हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।